चुन डाले व्हाट इज दैट अच्छा टीवी है क्या उधर से जाके ले ये क्या पेंटिंग है हाँ पेंटिंग है अच्छा और ये वी कैन ओपन दिस क्या ये कॉर्नर टेबल गाइस सुबह के 8:15 का टाइम हो रहा है मूवर्स एंड पैकर्स वाले आ गए हैं और सेफली सब कुछ पैक कर रहे हैं मेरे और हस्बैंड की तो हालत ख़राब हो गई पैकिंग कर करके अब बाकी का काम ये लोग निपटा रहे हैं 50% मैंने कर दिया है 50% रह गया वो लोग ये लोग कर रहे हैं हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी दोस्त हनी बेटो ये बंद करो आवाज जरा गाइस मूवर्स एंड पैकर्स वाले आए हैं मैं धीरे बोल रही हूँ अजीब लग रहा है मुझे गाइस ये वाला बेड जाना नहीं था मेरे साथ इसलिए मैं इधर बैठी हुई हूँ नहीं तो सब कुछ पैक हो गया मैंने आपको दिखाया था अभी पूरा घर मेरा फैला पड़ा है आप लोग और... एक दिन कर रहा पूरा घर आप ले जाओ अच्छा गैस पूरा घर फैला हुआ है 3-4 लोग आए हैं पैकिंग करने के लिए अभी मेरा जो मेरा वुडन बेड है वो रह गया है हाफ पैक होने के लिए हाफ पैक हो गया है और वॉशिंग मशीन रह गई है और फ्रिज वगैरह सब पैक हो गया गाइस बेटू आप शेक कर रहे हो बेड गाइस जैसे हम लोग कुछ पैक करते हैं ना ऊपर का जैसे हम लोग कुछ रखा होता है तो हमको लगता है कि नहीं ले जाना है उसके बगल में हमने खोल के नहीं देखा उसमें चीज़ें ऐसी हैं जो रखी हुई हैं कि हमको ले जानी है तो उनको इरिटेशन भी होती है बाद में तो सॉरी बोलना पड़ता है भैया रख लो सॉरी भूल गए याद नहीं रहा क्योंकि पूरा घर फैला हुआ है इतना दिमाग काम नहीं करता है बेटू आप पैर मत शेक करो मेरा कैमरा शेक हो रहा है मैं बोला ना आपको और इनका तो कुछ काम नहीं सुबह सुबह लग गए हैं गेम में पूरा घर फैला हुआ दिखाने लायक नहीं है बहुत ज़्यादा थकान हो रही है अब ये सब काम निबट जाएगा फिर मैं घर चली जाऊँगी मम्मी के पास अभी 2-3 दिन उन्हीं के पास रुकूँगी फिर जाऊँगी अभी टाइम पता क्या हो रहा है 5:30 आज मैंने हस्बैंड ने बेटे ने नहाया तक नहीं क्योंकि रात में हम लोग को पैकिंग करते करते हो गया था लगभग 4 बज गए थे और बेटू तो सो रहा था और हमारी नींद ना बिल्कुल पूरी नहीं हुई है सुबह हमको फोन आ गया था मूवर्स एंड पैकर वालों को कि आ रहे हैं वो लोग 7:30 बजे 8 तक आ गए थे वो लोग तो सो भी नहीं पाए ज़्यादा तो जब वो लोग गए काम वाम ख़त्म करके लगभग बज रहा था उस समय 12:30 ऐसा क्योंकि हम लोगों ने लगभग 50% पैकिंग मैंने करी हुई थी इसलिए उन लोगों को इतने घंटे लगे नहीं तो और ज़्यादा लगते तो फिर वो लोग गए 1:30 बजे तक 12:30 तक गए वो लोग फिर मैं और हस्बैंड ना तो कुछ खाया था क्योंकि ग्रहण का टाइम चल रहा था तो ग्रहण के टाइम ना तो आप कुछ खा सकते हो जबकि डैडी ब्रेकफास्ट लेके भी आए थे फिर भी हम लोग खा नहीं पाए क्योंकि उस समय इतनी हड़बड़ी हो रही थी पीछे गए थे ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ ये मेरे को लेके नहीं जाना था पर डैडी ने इसको पैक करा दिया डैडी घर ले जाएंगे इसको अभी तो मैं जा रही हूँ घर क्योंकि थकान हो रही है बुरी वाली जाके पहले तो नहाना पड़ेगा क्योंकि इतनी ज़्यादा अंदर से सुस्त हो रहा है मामला चलिए गाइस चलते हैं गाइस हम लोग घर जा रहे हैं मम्मी के पास
और शक्ल हो रही है इतनी गंदी। इन्हें तो अभी पेशेंट भी देखने जाना है। शक्ल ऐसी हो रही है जैसे उन मूवर्स एंड पैकर्स वाले ने हमको ही लॉक कर दिया, पैक कर दिया उसमें। बस सोचो सोचो, हम लोग अपना पैकिंग कितने दिनों से कर रहे हैं, तो हमारी आखिरी दिन इतनी बुरी हालत हुई। गाइस आज का जो व्लॉग है ना, बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो गया है मेरा। इनफैक्ट बीच के कुछ घंटे तो हमने शूट किया ही नहीं, क्योंकि हम सोते रहे घोड़े बेच के। पता ही नहीं चला सोए के उठे के क्या हुआ। अरे 10 बार फोन आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। ये बेटू बात कर रहा था बाबा। गाइस मेरे 2 या 3 बार कॉल आया, एक बार मम्मी का आया होगा, एक बार इनके अम्मा बाबा का आया होगा, और ये खुद ही अटेंड कर लेते हैं, खुद ही बात कर लेते हैं, और बाबा को तो ये खुद ही मिला लेते हैं। अरे गेम भी खेलता जा रहा था, और बीच बीच में गेम भी खेलते जा रहे थे, और मैंने भी इसलिए गेम के लिए टोका नहीं, क्योंकि नींद आ रही थी बहुत ज्यादा मुझे। दरअसल हम दोनों को नींद नहीं मिली कुछ दिनों से प्रॉपरली। कुछ दिनों से रात में प्रॉपरली सो नहीं रहे हम लोग। कल भी 4 बजे सोए, परसों भी 4 बज गए थे सोते सोते, और सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा मतलब हालत खराब हो गई हमारी। चलिए गाइस घर जाएंगे, पहले तो मैं जाके नहाऊंगा, क्योंकि इन्होंने तो वहाँ पे नहा लिया है, अब मैं तो घर ही जाके नहाऊंगा, क्योंकि मेरे कपड़े ट्रॉली के अंदर है। मैं तो लोग पेट्रोल डलवाने के लिए रुके हुए हैं, और मौसम देखिए जरा जबरदस्त हो रहा है। देखिए वहाँ देखा जाए घर से ज्यादा तो पेट्रोल पंप चमक रहा है। वहाँ कितने पेड़ पौधे लगे, देखो इधर का लुक ज्यादा अच्छा। इनफैक्ट तुम हमेशा सेम ही लगते हो इस मास्क को लगा के। मास्क बता दे रहा हूं। तुम हेलो हाय कुछ तो करो। हाय सुबह से बिल्कुल हेलो हाय करने की हिम्मत नहीं रही सच में यार। मुझे पेट्रोल पंप का आसपास कहीं है, कितना लाजवाब मौसम है। देखिएगा इस पूरा हवा हवा से पेड़ एकदम मस्त हिल रहे हैं। मेरी आवाज भी आ रही होगी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा आवाज आती है इन सनन सनन हवाओं की। ये एरिया मुझे बहुत जबरदस्त लगा। यहाँ पे गाइस ये देखिए कितना अच्छा पहाड़ दिखता है ना दूर से। क्या है यार सच में जा तो रहे हैं, पर ये सब बात मिस करेंगे। हाँ वो तो है। गाइस ये देखिए क्या भैया मौसम हो रहा है। वहाँ आंधी आने वाली है क्या? आंधी आ रही है, क्योंकि ये पेड़ तो बहुत बुरे हिल रहे हैं। आंधी आ रही है तभी तो मस्त मजा आ रहा है। वाओ उधर का सीन देख रहे हो, वाओ मैन। ओहो वाह, हम लोग किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। स्टेशन ही लगता है यहाँ पे इतने बारिश के टाइम तो। पहले नहीं जब हम लोग यहाँ पे आते थे है ना, नगर नगर से जब यहाँ पे आते थे तो हमको लगता था कि हिल स्टेशन पे आ गए किसी में। याद है तुझे एक हफ्ते 10 दिन हम जब यहाँ पे रुके थे तो हमें लग रहा था कि किसी रिसोर्ट में रुकने आए हैं। जब ये लोग नहीं थे सब लोग चले गए थे। करेक्ट, जबरदस्त पहाड़। पहुंच गए हम घर बस 1 मिनट में। वहाँ चौहान अंकल होंगे तो बढ़िया है, मिल लेंगे, मिल लेंगे अंकल से भी। कल भी तो है ना। हाँ अंकल तो घर डेली आते हैं आजकल। लगे ये देखिए लगे हुए हैं एवोकाडो, लटक रहे हैं बुरी तरीके से। चलिए मौसम वैसा हुआ होगा ये देखो जूस। घर पहुंच गए और आप लोग हवा देख सकते हैं कितनी तेज हवा चल रही है, पूरा आंधी आ रहा है। वाह चलिए गैस बहुत सारा सामान रख के बैठे हुए हैं, अपनी गोदी में इसको उतार लेते हैं। जूस वाला। गाइस मैं घर आ गई हूँ, देखिए मम्मी ने आते ही चाय चढ़ा दी है, क्योंकि हम लोग सुबह से आए थे ऐसे ही घूम रहे हैं। अब देखो तो खुश रहती हैं बहुत ज्यादा। गाइस अभी चाय बन रही है हमारे लिए। दरअसल मम्मी डैडी ने जस्ट अभी अभी पी, हम लोग आए हैं मुश्किल से 5 मिनट लेट हुए हैं, लेकिन अभी मम्मी दोबारा से चाय बना रही है। नहीं नहीं उन्हें कॉफी नहीं चाय पसंद है। हमें कानों में बढ़िया आजकल गाइस देखिए कानों में आजकल बहुत वैरायटी पहनी जा रही है। इनफैक्ट तो बहुत बेईमान हो, उस दिन मेरी जिस पर नजर थी ना गाइस वो मेरे घर पहुंच गए थे।
नजर अम्मी पड़ चुकी है। बाहर बहुत ज्यादा मस्त मौसम हो रहा है, मैं सोच रही हूँ बाहर जाती हूँ, तब तक चाय बन रही है मैं यहाँ पे। डैडी पूरा दिन मेरे ही पास थे वहाँ पे, जब वो लोग पैकर्स वाले थे वहाँ पे पैकिंग वगैरह कर रहे थे, तो फिर डैडी बस वही है कि 2 बजे तक ग्रहण वगैरह था तो ग्रहण में निकलते नहीं है, तो 2 बजे तक मेरे पास बैठे थे, फिर उसको निकल आए थे डैडी तो, और हम लोग वहाँ सो गए थे, दोनों थक गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ बाहर, मौसम हो रहा है ज़बरदस्त, मिनी बैठी हुई पीछे, मिनी जरा सी आ रही है कैमरे में, मिनी की शकीना रवीना कटरीना वो बैठी। गाइस मम्मी ने ये देखिए नया लगवाया, ये कुछ इसका डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है, मैं सोच रही आगरा में मैं भी लगवाऊंगी। मिनी ने बोला अमेजोन से मंगवाया, मैंने अमेजोन से मंगवाया, ठीक है तो मैं भी मंगवाऊंगी। चलिए गाइस बाहर चलते हैं, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, नहाना वगैरह तो बाद में कर लेंगे, ये मौसम में सो जाएगा वरना, आज ही इतना अच्छा हो रहा है कि डेली होता है। देखिए गाइस जबरदस्त मौसम है, पूरा हरा हरा। गाइस वो थोड़ी कार क्लीन कर रहे हैं क्योंकि उनकी कार गंदी हो गई है, और अब टाइम नहीं है क्योंकि कुछ करने का, तो अभी खुद ही क्लीन कर दे रहे हैं क्योंकि अभी क्योंकि पेशेंट देखने जा रहे हैं ना, तो उसमें दिखाई नहीं दे रहा उनको, बोल रहे हैं। गाइस देखिए कितना जबरदस्त मौसम है, डैडी काली घटाएं, गाइस देखिए पीछे वो काली घटाएं बिल्कुल, और यहाँ पे जैसे जैसे मौसम चेंज होता है ना जंगल हो जाता है पूरा, डैडी जंगल हो गया ना, कैसा लग रहा है एकदम। और गाइस इतनी मस्त हवा चल रही है, नारियल के पेड़ देखो सरन सरन हिल रहे हैं पूरे यूं। मैं कल ना ट्राई करूंगी कि मैं वहाँ झील के पास जा पाऊँ, ट्राई करेंगे देखें, अगर वहाँ कोई रिस्क वगैरह नहीं हुआ तो जाएंगे। वैसे वहाँ मैं पहले गई हूँ, कोई रिस्क नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो मनाही वगैरह हो, मना तो नहीं कर रखा है, जा सकते हैं। अकेले नहीं है, नहीं इनको ले जाऊंगा साथ में और मिनी को ले जाऊंगा। तो चलिए गाइस अब हम थोड़ी देर मज़ा लेते हैं इस मौसम का, आप लोग भी लीजिए मज़ा मेरे साथ, फिर हम लोग चाय पियेंगे, उसके बाद फिर नहाएंगे, अपना जो फेस भी नहीं सुबह से कुछ किया है इसको भी चमकाना है सुबह, क्योंकि उठे थे 7 बजे, कॉल आ गया था उन लोगों का कि हम लोग 7:30 तक आ रहे हैं, 7:30 लगभग 8 होने वाले थे, तब तक वो लोग आ गए थे, तब तक थोड़ी और पैकिंग हो। गाइस कोई पेड़ दिखाना चाहते हैं, देख लेते हैं, ये वाला नारियल वाला कोई नया लगाया है क्या? और क्या नारियल लगाया और ये गाइस यहाँ पे गाइस ये देखिए नारियल का पेड़ डैडी ने लगा दिया है, करेला वाला जो वो था फसल वो सूख रही थी है ना डैडी, उसको निकाल दिया और ये नया नारियल का पेड़ उगा दिया है। हाँ ये नया, वही मेरे को नारियल तभी लगा था। गाइस इसके अगल बगल में लिख दिया है आरव, लिखा है क्या आरव? अच्छा गाइस बेटू का नाम लिख दिया है नीचे, वो नॉडी का नाम लिख दिया है, और अच्छे से सील पैक कर दिया है ताकि हवाएं और गायें वगैरह उसे खा ना पाए यहाँ पे, क्योंकि गाय बकरी आते रहते हैं और लोग इन्हीं को खिला देते हैं, इजी लगता है उनको। गाइस डैडी अपने पौधों का बड़ा ख्याल रखते हैं, ये तो आपको पता ही है। हस्बैंड की और मेरी चाय बाहर ही आ चुकी है, गाइस डैडी कह रहे हैं एक बहुत लंबा सांप था और वहाँ एक पीछे पत्थर जैसा पड़ा हुआ उसके नीचे से घुस गया, तो डैडी यहाँ तो बहुत अनसेफ है। दो थे वहाँ, वहाँ से फिर एक इधर आ गया, एक जने कहाँ चला गया, उस दिन दो थे वहाँ, काला नाग था क्या? हाँ नाग है, चौहान नंगल दोनों देखे थे, अब जब यहाँ आए आधा घंटे बाद तब देखे क्या इनमें से लगता है आया होगा यहाँ, उन्होंने दिखाया बोला देखना वैसा भी जा रहा है जा रहा है यही। डैडी सुनो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ, रात रात में बिल्कुल नहीं जाना है, कोई थोड़ी जाता है, लेकिन यहाँ नहीं आते अपने, जहाँ हमने कहा ना एक दिन बताया भी था कि अपने यहाँ नहीं आते उधर। गाइस ये डैडी ने पूरा ये पक्का करवाया है, तो यहाँ कोई नहीं आता, कोई सांप नहीं, कोई मतलब कुछ नहीं, हाँ बिच्छू आ जाते हैं, उस दिन आया था ना बिच्छू, वो डैडी वो बिच्छू बहुत डरावना था, अगर काट ले तो। दूसरे दिन चौहान अंकल के सामने था उधर, उधर से आ रहा था, उन्होंने मरवाया नहीं उसको उधर, दूसरा बिच्छू वही। गाइस मम्मी भी बाहर ठंडी हवा का मजा लेने आई और बोल रही ठंड लग रही है, ठंड लग रही है मेरे को तो अभी ठीक लग रहा है, क्योंकि हम लोग को सुबह से पूरा काम कर करके ना। गाइस ये पेड़ देख कितने लंबे लंबे हो रहे हैं, और जब मैं नेक्स्ट ईयर कभी आऊंगी ना और लंबे हो जाएंगे, और नारियल वाले नए पेड़ जितने भी लगे हैं वो भी ठीक ठाक साइज। कितना टाइम लगेगा एक नारियल को बनने के लिए? 10 साल। 10 साल? ये तो 3-4 साल। वैरायटी के ऊपर होता है, एक शॉर्ट वैरायटी आती है ना,
मलेशियन कोकोनट ट्री होता है तो वो वैसे वो तो इतना छोटा होता है और उसमें नारियल लगे होते हैं बड़े बड़े। ये भी छोटा ही वाला है डैडी, ये क्या कहते हैं, अगर ये छोटा रह गया तो एक लंबा रहेगा एक छोटा रहेगा, शो आपका थोड़ा शो नहीं खराब हो रहा है? एक टाइम पे तो आगे वो वाला रुक जाएगा ना, बढ़ता ही रहेगा। नहीं एटलीस्ट इतना लंबा जाना चाहिए, देखिए ऑलरेडी अगर इतना बड़ा हो गया मान लो फिर वैसे तो गाइस हमारी जो छत है ना छत से आराम से तोड़ सकते हैं नारियल अगर पेड़ वहां तक पहुंच गया तो। अच्छा तो फिर तोड़ भी नहीं पाओगे फिर तो विंडो में से आपको हाथ डालना पड़ेगा क्योंकि वहां तक ही पहुंच रहा है आपका तो। सही बात है, सही बात हमारे थोड़े हम लोगों को भरोसा है कि हमारे टाइम में आने लगेगा। पेड़ आज लगाओगे तो तुम्हारे बच्चे खाएंगे जाके। क्या बात कर रहे हो, सोचने लगे कि हम ही खाएंगे तो लगाए। पेड़ ऐसा होता है सदैव अपने बच्चों के लिए सोच के लगाया जाता है। अच्छा तो मतलब अगर हम लोग आगरा में जाके कोई पेड़ उगाएंगे तो हमें तो मिलने से रहा, तो डीनो ही मिलेगा। अभी तुमको अब तो ये अमरूद अमरूद के तो आ जाते हैं जल्दी, पर पहले 7-8 साल आने लगते हैं। पहले की कहावत है ये, अब तो हाइब्रिड आने लगे हैं। अब तो यार तो टमाटर लो पौधा इतने 3-3 फ्रूट आ जाएंगे उस पौधे पे। ये देखो नींबू उसमें लग चुके हैं 3 पिछले साल, ये इतना छोटा नींबू लगे थे लास्ट ईयर। गाइस डैडी कह रहे हैं इसमें 3 नींबू पिछले साल लग चुके हैं इतने बड़े बड़े। अरे 1.5 फुट का था, अब तो कम से कम 2 फुट से ज्यादा का है। ये बेटे की शादी के टाइम कुछ था मतलब मालूम। हाँ, एक साल पहले तब मिनी लौट आई थी 8-10 दिन बाद, फिर मैंने और मिनी ने आके फसलें खाई थी और बहुत काटो तो मीठा निकलता रेड कलर का। फसलें खाई थी ऐसा बोलने में मजा आता है। फसलें खाई फसलें पीछे खड़े हो, मैं तो देख ही रहा हूँ बहुत मस्त लग रहा है। बस वही है मेरे को यहाँ पे डर ये लग रहा है कि सांप वाप भी है। पैसे नहीं आएगा, मैंने तो इतना इंतजाम बिटिया इसलिए थोड़ी किया है। मम्मी कह रही मैंने आज तक नहीं देखा, डैडी बता रहे बड़े बड़े तो देखे हैं। अच्छा पर अम्मी हरा सांप डैडी ने एक बार फोटो सेंड की थी वो क्या था? वो उधर था उस साइड गमले के पास, चमेली का पेड़ है ना, तो वो भी मैंने नहीं देखा था। गाइस हस्बैंड का हो गया पेशेंट का टाइम और मेरा हो गया व्लॉग एंड करने का टाइम। मिलूंगी कल आप लोगों से क्योंकि हो रहा है बहुत लंबा इसके सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।